पानी बहुत ज्यादा लगेगा जब आप वॉश करने जाएंगे, तो पानी आपका काफी ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो अगर आप पानी को बचाना चाहते हैं तो पहले एक बार गीले कपड़े के साथ में इसको पोंछ लीजिएगा और उसके बाद में आप अपने स्किन को वॉश करिएगा। आप देखेंगे कितना बढ़िया वाला ग्लो आएगा। ये देखिए मैं इस तरीके से हटा रही हूं। उम्र बढ़ने के साथ में अगर स्किन के ऊपर काले दाग धब्बे बनने लगे हैं, झाइयां बनने लगी हैं, एजिंग फाइन लाइंस बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे, स्किन अगर लटकने लग गई है, बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ने लगे हैं स्किन के ऊपर, तो ऐसी क्या चीज लगाएं जो हमारी स्किन के इन प्रॉब्लम्स हमें निजात दिलाए। स्किन के काले दाग धब्बे किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हर किसी की स्किन साफ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, स्किन एकदम स्मूथ होनी चाहिए, बिना किसी डार्क स्पॉट्स के होनी चाहिए, तो दिल से एक अलग ही खुशी आती है। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन को काले दाग धब्बों से, झुर्रियों से, झाइयों से निजात दिलाएगी, स्किन के ऊपर लाएगी एक गजब का ग्लो, स्किन को टाइट करेगी, फेयर करेगी और ब्राइटन अप करेगी। स्किन की पॉलिशिंग भी आपकी स्किन के ऊपर आपको इसी रेमेडी में देखने को मिलेगी, स्किन की ब्लीचिंग भी होगी, स्किन के रिंकल झुर्रियों से भी आपको निजात मिलेगी और कलर भी आपको 2 से 3 टोन तक फेयर देखने को मिलेगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, घर में रखी हुई चीजें हैं जिनको कि हम यूज करेंगे और स्किन के ऊपर लाएंगे गजब की चमक, एक गजब का ग्लो। जो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह, इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। लेके आ गई आपकी बहन फिर से आपके लिए एक बहुत ही करामात की रेमेडी जो आपकी स्किन के सारी की सारी प्रॉब्लम से, कालेपन से, झाइयों से, झुर्रियों से, दाग धब्बों से निजात दिलाने वाली है। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको कि आप अपनी स्किन पे जब भी ये लगाएंगे आपको तुरंत उसी वक्त अपनी स्किन के ऊपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्किन बूढ़ी हो रही है, स्किन लटकने लग गई है, स्किन के ऊपर एजिंग लाइन दिखाई दे रहे हैं या फिर अर्ली साइन ऑफ एजिंग आपको अपनी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर स्किन आपकी बहुत ज्यादा लटक रही है, यानी कि जब हंसते हैं स्माइलिंग लाइन आ रही है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर दूर 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 पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये रेमेडी आपकी हर तरह की स्किन की प्रॉब्लम से। आप करना क्या है? सबसे पहले हम ले लेंगे दही। ये घर का जमा हुआ दही है जिसको कि मैंने घर पर जमाया और देखिए कितना गाढ़ा है। आप मार्केट का जो पैकेट वाला दही लेके आ रहे हैं, हो सकता है कि वो पतला पानी वाला दही हो, या हो सकता है कई बार मार्केट का जो दही मिलता है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। तो करना क्या है, उसको एक छन्नी में छान लीजिएगा या फिर एक कपड़े में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 चम्मच। उसका जो पानी होगा वो अलग हो जाएगा और ऊपर जो गाढ़ा वाला दही मिलेगा आपको, वो वाला आपने दही यहाँ पर यूज करना है। ठीक है जी, तो ये हमने ले लेना है दही। अगर हो सके तो थोड़ा खट्टा वाला जो दही हो वो वाला आप दही लीजिएगा और ज्यादा स्किन के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा। या दही का इंतजाम। अब जो दूसरी चीज मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो आपने क्या लेनी है वो आप देख लीजिए ध्यान से। वो है जी हमारा फ्लेक्सीड का पाउडर। ये देखिए इस तरीके से आपको ये फ्लेक्सीड का पाउडर बना लेना है। अगर आप 40 प्लस है या 35 प्लस है या आपके चेहरे के ऊपर रिंकल झाइयां झुर्रियां ज्यादा दिखाई दे रही है, स्किन लटकने लग गई है आपको, अपनी यहां से ये वाली स्किन जो है ये लटकने लग रही है, दिख रही है आपको, तो आपने ये वाला पाउडर अपनी इस रेमेडी में डेफिनेटली यूज करना ही करना है। कैसे बनाया है? फ्लेक्सीड यानी कि अलसी जिसको बोला जाता है, खाने में जितना ज्यादा हेल्दी होती है उतनी ही आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट लगाने में भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। करेंगे क्या, सिंपली आपने बिना रोस्ट वाली जो कच्ची अलसी होती है वो आपने लेनी है और उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। बिना छने आपने इसको रखना है। देखिए मैंने इस तरीके से डिब्बे में रखा है और ये मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये खराब ना हो। इस तरीके की आपको ये मिल जाएगी। इसको आपने रेगुलर अपनी रेमेडीज में यूज करना है अगर आप अपने चेहरे को टाइट और फेयर करना चाहते हैं। ये आपके बुढ़ापे को भगाने का एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा जादुई उपाय है जिसको कि आज से नहीं सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग अपने खाने में यूज में लाते थे, अपनी स्किन के ऊपर यूज में लाते थे। अब ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है तो बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं और अपनी स्किन के ऊपर इसका चमत्कार भी देख रहे हैं। तो करेंगे क्या, हम बनाएंगे हमारी स्किन के लिए एक पैक। उसके लिए हमने दही ले लिया है। सबसे पहले हम अपने स्किन को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए मैं ले रही हूँ दही। ये देखिए 1 ही चम्मच मैंने लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, मैं हाथी पे ले रही हूँ। आप अगर इसको कैसे लगा के आपने इसके साथ में करनी है मसाज। एक तो आपके चेहरे को बहुत बढ़िया से मॉइस्चराइज करता है, दही आपके कलर को फेयर करता है, आपकी स्किन की पुरानी से पुरानी पिगमेंट के ऊपर भी दही बहुत बढ़िया से काम करता है। दही को लगाने से आपका चेहरा एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है, साथ में आपके काले दाग धब्बे भी इसी से ही निकल जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आप अपने फेस को एक बार वॉश कर लेंगे और उसके बाद आप दही के साथ में अपने चेहरे पर इसको मसाज करेंगे इस तरीके से। ठीक है जी, तो इस तरीके से मसाज कर लेते हैं 2 से 3 मिनट बढ़िया वाली, और उसके बाद में हम अपने चेहरे के ऊपर एक पैक बना के लगाने वाले हैं जो कि मैं अब आपको दिखाई हूं। तो पहले जरा अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ही मैं ले रही हूं थोड़ा सा और दही। ये देखिए इस तरीके से
ठीक है। और इसके ऊपर हम लेंगे थोड़ा सा बेसन, एक चम्मच के आसपास आप बेसन ले लीजिए, ये देखिए। और की बार हल्दी हम ले लेंगे इसमें। थोड़ा सा मैं इस पे डालूंगी जी नींबू का 2 से 3 कतरा, ज्यादा नहीं लेंगे, 2 से 3 कतरे हम लेंगे और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इस पे डालेंगे जी जो हमारा अलसी का पाउडर है वो, ठीक है। ये सारी चीजें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं 1 ही चम्मच ली हूँ अलसी का पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। अगर दही थोड़ा सा कम पड़ गया मेरे को तो मैंने दही थोड़ा सा और मिक्स किया है, हाथ पे ले लिया, और इसको अब हम अपने चेहरे पर मसाज करेंगे। इस तरीके से पहले लगा लेते हैं अच्छे से, ये देखिए अच्छे से आपने इसको लगाना है अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया से, ये देखिए। और इसके साथ में अब हम करेंगे 4 से 5 मिनट की मसाज। ये आप चाहें तो अपने हाथ पे भी लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ भी बहुत ज्यादा लूज होते जा रहे हैं, एजिंग लाइन फाइन लाइन दिखाई दे रही हैं, तो आप इसको अपने हाथों पे भी जरूर लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने लगा लिया अच्छे से, मसाज कर ली मैंने अच्छे से, और अब मैं इसको इसी तरीके से लगा हुआ छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये मेरी स्किन के ऊपर और भी अपना रिजल्ट दिखा सके। ये इसको अपने हाथों पैरों पे भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए। ये देखिए इसको करके मुझे 15 मिनट हो गए हैं, और काफी ज्यादा मुझे स्टिफी लग रहा है, ये काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें दही है तो ये आपको ड्राई नहीं दिखेगा, हार्ड लगेगा लेकिन ड्राई नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हम चम्मच के साथ में इसको हटा लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद में मैं इसको जाके कपड़े के साथ में पोछूंगी, पहले एक बार गीले कपड़े के साथ में, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ऑलरेडी कितना बढ़िया से स्किन क्लीन हो गया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। जबकि अभी वॉश नहीं किया तब भी आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया। कैसे लगे आपको आज की ये रेमेडी? आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि अगर आप 30+ हो चुके हैं हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको कीजिए, अगर आप 40-50 के हो गए हैं तो आप इसको रोजाना अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं।